हाई स्टूडेंट्स, न्यू पेपर स्टाइल का एक जोरदार एनालिसिस जिससे आप लोग ये सोच सकते हो, प्लानिंग करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 लाना तो आसान ही है भाई। कुछ स्टूडेंट्स बहुत वीक हैं, उनके लिए भी जोरदार प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी वीक स्टूडेंट होते हुए भी अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ये अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं कैसे, फिर स्टैटिस्टिक्स की भी बात कर लेंगे कैसे, और उसके बाद कमल सर उस हिसाब से प्लानिंग करके लेक्चर्स भी देंगे जैसे आप थोड़ी सी पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी से। तो देखो, ये जो न्यू पेपर स्टाइल है ना, उसमें आपको जनरल ऑप्शन दिए गए हैं। अब जनरल ऑप्शन है इसलिए क्या होता है कि आप लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूरे के पूरे इच्छा हो वो निकाल सकते हो। देखो सेक्शन ए और बी जो है उसमें ए में 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है। बात करेंगे सेक्शन सी की, तो स्टूडेंट सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये तीनों सेक्शन जो है ना अकाउंटेंसी में, उसमें आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से दो ऑप्शन में निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे सेक्शन सी में 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये क्वेश्चन 6 पूछे जाएंगे। अब ये 6 में से आपको खाली 4 अटेम्प्ट करना है, दो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। सेम आगे जाए सेक्शन डी 37, 38, 39, 40, 41, अब ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 में से खाली 3 अटेम्प्ट करना है, दो ऑप्शन में निकाल सकते हो। ई की बात करें 42, 43, 44, 45, 46 ये नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 5 क्वेश्चंस में से आप 2 स्किप कर सकते हो। हाँ, सेक्शन एफ का कोई ऑप्शन नहीं, कंपलसरी फाइनल अकाउंट आपको पता है, कंपनी फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये तीनों का थोड़ा एनालिसिस करके आप लोगों को बता दूं और फिर इसके डिटेल लेक्चर भी दूंगा। बात आ रही है यहां पे चैप्टर्स की। देखो स्टूडेंट सेक्शन सी है इंट्रोडक्शन, वैसे 31 नंबर क्वेश्चन आता है, आप सब लोगों को पता है 11 मेरे ऑलरेडी लेक्चर आ चुके हैं, ऑनलाइन आप देख चुके हो 11 क्वेश्चंस, वो 11 क्वेश्चंस करो तो ये एक सम आपको 110% आ ही जाएगा और वो लेक्चर्स दे चुका हूं। फिर बात आती है ये रिकंस्ट्रक्शन, तो सर जनरल ये रिकंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है ना उसमें एक टाइप का क्वेश्चन फिक्स है। सोचना यहां पे 11 सम्स करो एक मार्क आएगा, यानी एक क्वेश्चन आएगा, यहां पे सिर्फ एक सम करो 99% चांसेस है वही आ जाए, यानी वो मेथड से आ गया काम खत्म हो गया। यहां पे 33 34, सो ये 33 34 दो क्वेश्चन है डी सॉल्यूशन चैप्टर में से, उसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो एक क्वेश्चन का टाइप फिक्स होता है, दूसरा क्वेश्चन बदलता रहता है। तो समझ लो वो एक क्वेश्चन का टाइप अगर हम लोग कर लेते हैं और अगर आपको पूरा मार्क्स 100% चाहिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लो, डी सॉल्यूशन तैयार, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टूडेंट्स फिर से बता रहा हूं आप स्किप कैसे कैसे कर सकते हो वो प्लानिंग बता रहा हूं, और डिटेल जब लेक्चर लेंगे तो आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे कि सेक्शन सी तो आपका 100% तैयार हो ही गया। बात करेंगे 35 36, तो ये है डिबेंचर। अब डिबेंचर में भी एक टाइप का क्वेश्चन तो फिक्स है, दूसरे टाइप का चेंज हो सकता है। तो अगर मैं थोड़ा प्लानिंग से लेक्चर्स काम करूं तो दो लेक्चर दो शब्दों में स्किप कर सकता हूं, तो मैं कौन से दो क्वेश्चन स्किप करने की सोचूंगा? तो स्टूडेंट्स ये डिबेंचर में जो दो है उसमें से एक स्किप करने की सोचूंगा, क्योंकि जो अनइवन है कुछ भी आ सकता है नहीं भी आ सकता। डी सॉल्यूशन में एक तो फिक्स है, दूसरा कुछ भी हो सकता है जिसको मैं स्किप कर सकता हूं, तो एक एक इसमें से अटेंड करो इंट्रोडक्शन और इसमें से एक अटेंड करो, 4 हो गए। अब आप बोलोगे सर जी थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली, मुझे डिबेंचर बहुत अच्छा आता है, मुझे डी सॉल्यूशन बहुत अच्छा आता है, तो स्टूडेंट ये दोनों स्किप कर सकता है। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन का जो सम होता है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसीलिए इसको स्किप नहीं करना चाहिए, ये मैं बताना चाहूंगा। नो डाउट डिटेल में लेक्चर्स लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, तो वेट करना मेरे लेक्चर्स, 110% जोरदार प्लानिंग देने वाला। तो इसमें से कोई भी 4 अटेंड करने हैं, और जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है जोरदार 100 मार्क्स के लिए मेहनत कर रहे हैं,
स्टूडेंट्स वो तो कोई भी चीज पहले से स्किप करने का नहीं सोचेंगे, एग्जाम में जाएंगे ये 5 क्वेश्चन में से जो आसानी से 4 सॉल्व कर सकते हैं उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी के स्किप कर देंगे। हो सकता है ये दोनों उसको आसानी से सॉल्व हो सकते हैं तो उसी से काम चला लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसा नहीं करते कि पहले से स्किपिंग का सोचे, वो क्या सोचेंगे फ्यूचर में देख लेंगे मजा लेंगे फिर देखेंगे ये स्किप करो क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग और बाकी के आसानी से हो जाएंगे वो सॉल्व करेंगे तो टाइम में पेपर खत्म हो जाएगा। बात करेंगे डी स्टूडेंट्स, डी सेक्शन, डी सेक्शन में 37, 38, 39, 40, 41 ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसमें से भी दो स्किप कर सकते हैं। अब सोचो ध्यान से, ये जो 37, 38 सर गुडविल कभी नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे गुडविल, आसान तो है। आगे बात करेंगे 39 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर वो भी नहीं छोड़ेंगे, या तो माइनस करना है या परसेंटेज फाइंड करना है, काम खत्म हो जाएगा, तो ये भी आसान है। बात आई रेशियो और कैश फ्लो, अब रेशियो या कैश फ्लो, इसमें रेशियो में इजी रेशियो आता है तो ये सॉल्व करो, थोड़ा बहुत हार्ड आता है तो ये सॉल्व करो, वरना आपको इसमें से कोई 3 ही अटेंड करना है तो ये 1, 2 and 3 इतना अटेंड करो, काम खत्म। ये दोनों आप एनालिसिस, ये रेशियो और कैश फ्लो ऑप्शन में निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी मैं बता रहा हूँ, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे वो स्किप करने का पहले से नहीं सोचेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, जो आसान होगा वो अटेंड करेंगे। नो डाउट थोड़े वीक स्टूडेंट्स के लिए ये आसान रहेगा गुडविल और ये एनालिसिस। तो ये दो ही चैप्टर करो, सेक्शन डी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सब अटेंड कर सकते हो। अब बात है सेक्शन ई, स्टूडेंट्स हर किसी को एक प्रॉब्लम रहता है, एडमिशन रिटायरमेंट टैली नहीं होता। तो स्टूडेंट्स एडमिशन के 2 समाने वाले, रिटायरमेंट का 1, शेयर कैपिटल के 2। अब स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट्स का शेयर कैपिटल मजबूत होता है जो आसानी से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, तो वो शेयर कैपिटल इतना मजबूत कर लो कि 2 क्वेश्चन ये अटेंड करने पड़े और एडमिशन रिटायरमेंट के 3 में से कोई भी एक अटेंड करो, फिर भी आपका ई तैयार। नो डाउट डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में चैप्टर्स देंगे, लेक्चर्स देंगे और मजा देंगे। शेयर कैपिटल का 1 भी मार्क कट नहीं होने दूंगा। और बात बची इसकी, तो ये 3 में से जो आसान दिखे वो अटेंड करो, बाकी छोड़ दो। जिसकी प्रैक्टिस आपको पता है जोरदार कर चुके हैं, अरे ये तो वही सम है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो कर लो ना भाई वही सम करो। तो ये 3 में से 1 करो और ये 2 100% करो, बॉस तैयार। अब इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये था थोड़ा बहुत एनालिसिस अकाउंटेंसी का, सिंपल स्टैटिस्टिक्स जोरदार एनालिसिस दूंगा, इतना मजा आ जाएगा कि बॉस ये करो कि सर ये चैप्टर ही मत करो। लेकिन फिर से ब्रिलियंट स्टूडेंट डोंट स्किप, डू ऑल दी थिंग्स, सब करो जोरदार और मजे से प्लानिंग करो, देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ए 20 कंपलसरी, बी 10 कंपलसरी, अब सी में बात आ गई, 14 मार्क्स का आपको अटेंड करना है। इसका मतलब क्या, 7 क्वेश्चन अटेंड करना है। अब आपको 9 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, इसका मतलब 2 स्किप कर सकते हैं। अब इसमें से कौन से 2 स्किप करें, सो देखो इंडेक्स नंबर कोरिलेशन रिग्रेशन टाइम सीरीज ये आसान चैप्टर्स हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर थियरी में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिसमें थियरी पूछा उसको कर दो स्किप और जो प्रैक्टिकल है 100% अटेंड करो, काम खत्म। तो स्टैटिस्टिक्स का जो इश्यू है ना सर थियरी में प्रॉब्लम है, थियरी में प्रॉब्लम है। तो सी डी ई एफ में तो कोई प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, थियरी को स्किप कर सकते हो और बाकी सब अटेंड कर सकते हो, तो ये इश्यू एक सॉल्व हो सकता है। दूसरा देखो, लिमिट आसान है, डेरिवेटिव आसान है, मत करो स्किप, अगर मानते हो मेरी बात तो मत करो स्किप, हर चीज करके जाओ, वहां पे जाके डिसाइड करो क्या स्किप करना है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर थियरी परफेक्ट करके जा रहे हो तो ये दोनों को आप स्किप कर सकते हो। कभी कभी प्रोबेबिलिटी में आसान भी होता है, कहीं आसान क्वेश्चन पूछा है तो आसान आसान चैप्टर करके, आसान आसान क्वेश्चन करके जाओ, चैप्टर में जब पूछा तो लिख लो, नहीं पूछा तो छोड़ दो। तो स्टूडेंट्स इसी प्लानिंग से स्टैटिस्टिक्स का भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मैं क्या करवाने वाला हूँ कि इतना करो उसमें से आया तो अटेंड कर लो, वरना स्किप करके बाकी के अटेंड करो।
तो मजबूत चैप्टर तो करने ही है, ये सब मजबूत कर लो, क्योंकि इसकी वजह से तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं पार्ट वन के हिसाब से, और इसमें से आपको ऑप्शन निकालने का मौका मिलेगा। तो सेक्शन सी में आप ये दो लिमिट, उसमें से एक आसान है एक हार्ड है, तो मान लो एक अटेम्प्ट करो बाकी छोड़ दो। डेरिवेटिव में तो आसान होता ही होता है, तो बात क्या है, स्टूडेंट्स दो स्कीप कर सकते हैं सेक्शन सी में, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेंशन कम हो जाएगा। अब बात आई सर यहाँ पे सेक्शन डी, उसमें 24 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब है कितने, 12 क्वेश्चन है, 12 में से 8 अटेम्प्ट करो, यानी 4 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। फिर से देखो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से 5 क्वेश्चन, ये 5 में से आप 4 स्किप कर सकते हैं, बाकी के चैप्टर्स को मजबूत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो डाउट ब्रिलियंट स्टूडेंट को कुछ भी नहीं छोड़ना है, जोरदार प्रैक्टिस करनी है, और वो जोरदार प्रैक्टिस में क्या करेंगे, एग्जाम में जाके फायदा उठाएंगे। हो सकता है प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन बहुत आसान हो, आसानी से हो जाए, तो थियोरिटिकल टॉपिक जिसमें मार्क्स कट होने के थोड़े भी चांसेस है स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिसको ये दोनों से डर लगता है ना, उनके लिए तो गोल्डन चांस है। कोई बोलता है प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत, अरे भाई 4 क्वेश्चन ऑप्शन में निकाल सकते हो, 3 तो है, निकाल दो भाई, मत करो प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन, यहाँ पे भी ऑप्शन, नो डाउट इसमें ऑप्शन नहीं है ये दोनों में, लेकिन ये तो है। बात करते हैं सेक्शन ई, उसमें आपको 12 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और दिए हैं 4 क्वेश्चन, ये 4 में से 3 अटेम्प्ट करो। अब देखो ये 3 चैप्टर, 3 चैप्टर करने, नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट एंड डेरिवेटिव। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 है, इसमें से एक तो आसान ही होता है, एक थोड़ा बहुत ट्विस्ट करते हैं, तो जो ट्विस्ट वाला निकाल दो, बाकी अटेम्प्ट कर लो भाई, खत्म बात। और मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन एफ, 56, 57, 58, 59, 66, 6 क्वेश्चंस है, उसमें से खाली 4 अटेम्प्ट कर। अब सोचो ध्यान से, कुछ स्टूडेंट्स को वो तकलीफ होती है सर इंडेक्स नंबर का जो कन्वर्जन वाला आता है ना, उसमें बहुत तकलीफ है। अरे छोड़ दो भाई, ऑप्शन में निकाल दो, अगर सिंपल सम आता है तो पूरा अटेम्प्ट कर लो, वही आसान पड़ेगा। कन्वर्जन नहीं है, सिंपल P1, P0, Q1, Q0 वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट अटेम्प्ट करो, कन्वर्जन वाला है ऑप्शन में निकाल दो। कोरिलेशन रिग्रेशन और टाइम सीरीज, देखो अटेम्प्ट खाली 4 कर, मैं होता तो क्या सोचता। देखो कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन में 2 मेथड है, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयर। अब कार्ल पियर्सन जो मेथड है, दोनों में से सपोज एक कार्ल पियर्सन सम आता है, दूसरा यहाँ पे आएगा रिग्रेशन, तो उसमें कार्ल पियर्सन की कंपैरिजन में हम लोग उसका कंपेयर करके सम कर सकते हैं। तो कार्ल पियर्सन की एक मेथड करने से ये 57, 58 में से कोई भी एक, दूसरा 59, 60, ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है तीनों कनेक्टेड है, और ये मूविंग एवरेज मेथड वाला सब। तो स्टूडेंट्स ये 3 चैप्टर कर सकते हैं, वो भी एक ही मेथड से करना सीख लो, तो ये 20 मार्क तो कहीं नहीं जाएंगे। तो क्यों वेट कर रहे हो अब तो गवर्नमेंट ने भी, गुजरात बोर्ड ने भी आसान कर दिया है, अच्छे मार्क्स ला रहा। और हाँ कमल सर उसके लेक्चर प्लानिंग के साथ देंगे भी, ये तो प्लानिंग दिया है, अब लेक्चर का वेट करो, मजा लो। तो थोड़े ही टाइम लेक्चर स्टार्ट करेंगे इस प्लानिंग के साथ। Bye-bye.